जोधपुर पुलिस कमिश्नर पश्चिम के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नूर मोहम्मद ने कोरोना से जंग में अहम भूमिका निभा रहे पुलिस जवानों को लेकर कविता लिखी, जिससे पुलिस जवानों का हौसला बुलंद हुआ। इस कविता को लिखने वाले नूर मोहम्मद से बात की हमारे सहयोगी राजीव गौड़। एक साल पहले आया कोरोना वायरस, पूरे देश ने दुनिया को हिला करके गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हौसला सबसे अगर ज्यादा मजबूत है तो पुलिस के अधिकारियों और जवानों का, जो सड़कों पर पिछली बार की तरह इस बार समझाइश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो संक्रमित भी हो रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी और जोधपुर के एसीपी नूर मोहम्मद, इस बार के साथ ही जवानों को अधिकारियों को देखूं, जवानों की ड्यूटी को देखते हुए, क्योंकि इस वक्त धैर्य और वीरता दोनों का सामंजस्य अपने आप में बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसका मैंने ये पंक्तियां किसी जवान की जो थी ये मैंने उद्गार की है कि है धीर तू है वीर तू, धैर्य की भी आवश्यकता है और वीरता की भी आवश्यकता है धीर तू है वीर तू, निस्तब्ध गगन में संग ना सुन, धरा को और अंतरिक्ष को जीत तू, चिराग कर वीर को है देश की तकदीर तू, है देश की तकदीर तू, बहुत ज्यादा आवश्यक है आगे इस वैश्विक संकट दौर में खाकी के जवानों के होला अफजाई करने की, क्योंकि वो अपने परिवार से नमूने बच्चों से अपने माता पिता से दूर रहते हुए पर मौजूद हैं, ममूर हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो यदि उनको कुछ ऐसे पंक्तियां कुछ ऐसे भाव की स्थिति को देखें तो वास्तव में ये एक भयावह स्थिति सामने आई है। लेकिन हमारे पुलिस के उच्च अधिकारियों के श्रीमान सीपी सर के श्रीमान डीसीपी सर के निर्देश अनुसार यहाँ जोधपुर आयुक्ताय के जो जवान है कंटिन्यूसली सैनिटाइजेशन के लिए, कंटिन्यूसली सोशल डिस्टेंस के लिए, मास्क के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, यदि कोई हमारे में से कोई हमारा पुलिस परिवार से यदि कोई व्यक्ति कोई जवान यदि पॉजिटिव होता है तो हम उससे मोबाइल पे बात करते हैं, कंटिन्यूसली उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो बहुत अच्छा महसूस करता है और वो बहुत जल्दी रिकवर भी होता है। इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश केवल राजस्थान और भारत बल्कि पूरी दुनिया तक संदेश गया कि पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी, उनके भी माता पिता, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन वो जिस धैर्य के साथ और जिस साहस के साथ जुटे हुए हैं, ऐसे उनको भी सलाम करने को मन करता है और उम्मीद करता है कि इन्होंने जो संदेश दिया वो आमजन भी समझे और जल्द से जल्द इस कोरोना को भगा देंगे। सो ये मतलब के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।